Yes, friends, today we will start Chapter 11, Basic Accounting Ratios. Basic Accounting Ratios, एकदम समझ लो फ्री का नंबर मिलने वाला है. अगर आपकी अकाउंटेंसी पे कंट्रोल अगर अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर अभी तक कंट्रोल में कहीं कुछ कमी रह गया है तो ये चैप्टर करने के बाद आपका कंट्रोल 100% और मजबूत होने वाला है. रेशियोज आप क्लास 6-7 में पढ़े थे मैथमेटिक्स में, कुछ खास बदलाव नहीं है. इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम्स देखिए, क्विक अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेशियोज. कितने बच्चे हैं जिनको एग्जैक्ट रेशियोज का मीनिंग पता है? जनरली ऐसा होता है, अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल पेपर है, हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों को स्किप करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पता चलेगा भी आपको. ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. जब हम प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि अच्छा लिमिटेशंस भी है. अरे दोस्त, बिल्कुल. ये जितना भी हम काम करते हैं, ये जो रेशियो एनालिसिस है, ये किसके काम में आता है बताओ? ये बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है. ये जो इंटरनल मैनेजमेंट है, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेस हाउस जब बिजनेस करने उतरती है, एक तो उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को कुछ डिटेल्स देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट, राइट. मगर ये जो रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है, ये रेशियो एनालिसिस हम बैलेंस शीट में नहीं देते हैं दोस्त. ये हमारे इंटरनल फंक्शनिंग के लिए है. कंपटीशन को कैसे मारे, हमारा सिचुएशन कैसे अच्छा हो, हम एफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये इसलिए बनता है क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ानी है मुझे. हर कंपनी को अपना एफिशिएंसी बढ़ाना रहता है, हर कंपनी को अपना स्टेटस, करंट स्टेटस मेरा क्या है मुझे पता होना चाहिए. तो ये सब इंटरनल बातें हैं, ये हम सीक्रेटिव रहती है दोस्त, ये हम जाके प्रचार नहीं करेंगे. सीक्रेटिव बातें हैं, इंटरनल बातें हैं, बैलेंस शीट में हम नहीं बताते हैं ये सब चीज. मगर बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन को यूज जरूर करते हैं. आइए आगे देखते हैं. लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो. अच्छा, टाइप्स ऑफ रेशियो में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? हाँ जी, होते हैं. जनरली यूज इन द बिजनेस एंटिटीज. आज का हमारा चर्चा है अकाउंटेंसी को रिलेटेड, तो बिजनेस एंटिटी में जो रेशियो एनालिसिस होता है वही करेंगे ऑफकोर्स. अब देखो दोस्त, आपसे कमेंट मांगा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, जैसे एनालिसिस हो रहा है, ठीक है. अब एनालिसिस होने के बाद क्या आप उस एनालिसिस को सही तरीके से समझे हैं? क्या आपका एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ मैनेजमेंट, इफ यू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम, क्या आप सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हो? तो एज अ स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन पे कमेंट करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी रेशियो अगर ऐसा है तो आपके विचार से ये कंपनी का क्या सिचुएशन है. तो कमेंट ऑन द लिक्विडिटी. लेवरेज, सर ये लेवरेज क्या है हमें तो नहीं पता, वक्त आने पर आपको पता चलेगा. बट आपको ये समझना है कि आपका कमेंट, अचानक से आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो दोस्त, आपको मुनीम वाला काम नहीं करना. यू आर नॉट हियर एज अ क्लर्क, बात को प्लीज समझो. आपको क्लर्क नहीं बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. तो हमारा भी पढ़ाने का स्टाइल आपको क्लर्क बनाने का नहीं रहेगा, ठीक है. घसते रहो, घसते रहो, घसते रहो, एक न्यूमेरिकल के बाद दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, चार न्यूमेरिकल या चार प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया क्लास में, वो क्लर्क वाला बुद्धि हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है. हमें केस स्टडी वाला बुद्धि लगाना है, जैसे MBA स्कूल्स में होता है, मैनेजमेंट स्कूल्स में होता है, ठीक है. ये अनफॉर्चुनेटली अकाउंट्स के पेपर को एक ऐसा पेपर बना दिया गया है कि जहां आपको क्लर्क बनाने की सारी प्रतिक्रिया समझा दी गई है. बड़ा अफसोस होता है मुझे
कि एक पार्टनरशिप में पता है हमने 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का है ना, मैंने 20 प्रॉब्लम सॉल्व किया है। भैया जिसका बुद्धि बहुत स्लो चल रहा है उसको एक एक एडजस्टमेंट करा करा के एक एक प्रॉब्लम्स कराओ, व्हाट इज द पॉइंट। सो अगर आप अपना ध्यान को थोड़ा सा मजबूती से रखते हो इस क्लास में तो आपका बहुत मेहनत मैं रिड्यूस कर दूंगा, मगर अगर आप टीचर को मजबूर करोगे कि सर हम तो भैया धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमारा ध्यान देखिए थोड़ा सा इधर उधर रहता है, तो टीचर भी क्या करे। आओ बेटे करो, एक एक एडजस्टमेंट पे एक एक प्रॉब्लम्स करो, 25-25 मिनट इन्वेस्ट करो। तो वो 25-25 मिनट इन्वेस्ट करके एक एक प्रॉब्लम करना अगर आपको ठीक लगता है तो उस पैटर्न से चलते हैं। मगर अगर आप वादा करते हो कि नहीं सर हम क्लर्क नहीं है, सर हमको ये चीज समझना है और हम पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, तो मैं उस फॉर्मूला पे चलूंगा, चॉइस आपका है। बट मेरा दिल से तमन्ना है कि मैं क्लर्क लोगों के लिए मैं नहीं हूं यहां पर। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू क्लर्क्स, हम पढ़ाई कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का, हम पढ़ाई कर रहे हैं आगे के फ्यूचर देश को संभालने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को संभालने वाले लोग, और देश क्या विदेशों में भी जाके आप काम करें। तो प्लीज अपने आप को समझिए और अपना एग्जामिनेशन पैटर्न, स्टडी पैटर्न, सब चीजों को समझिए कि अब आप 11-12 के पढ़ाई में नहीं हो, क्लास 11 एंड क्लास 12 में नहीं हो, जहां पर जो बुक्स भी होते हैं बुक्स में एक चैप्टर के पीछे 50-50 60-60 70-70 न्यूमेरिकल कर रहे हो। मैं उस पैटर्न पे बिलीव नहीं करता हूं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उस पैटर्न को अगर मैं बिलीव नहीं करता हूं तो उसके लिए दोस्त अपना थ्योरेटिकल नॉलेज को बहुत मजबूत करना होगा। आपको लगेगा कि ये ऐसे टीचर है जो थ्योरी पे इतना एम्फोसाइज कर रहे हैं, हमारे बाकी टीचर्स ने तो थ्योरी पे एम्फोसाइज नहीं किया, रेशियो एनालिसिस आओ सम्स करते हैं। दोस्त मैं आपको थ्योरी पे एनालाइज या एम्फोसाइज ज्यादा इसलिए कर रहा हूं ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको कम करना पड़े। घूम फिर के आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिना नॉलेज के आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिकल कराता रहूं तो वो एक तरह से लग रहा है, मेरा प्रोसेस हो सकता है आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लंबा है, बट यही तो गेम है दोस्त। ये आपको लगेगा लंबा है बट ये है छोटा, वो आपको लग रहा था छोटा बट आप खुद सोचिए कि एक रेशियो एनालिसिस पे आपने 11-12 पे भी किया होगा तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो 100% मुझे आपका अटेंशन मिलने वाला है आज, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो कमेंट ऑन द लिक्विडिटी, लेवरेज, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है करेंगे। इंटरप्रेट द रेशियोज फॉर द इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, ये सब अपने को करना है। टाइप्स ऑफ रेशियोज, ये सब नाम आपको पता है ऑलरेडी। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। अब ये बताइए सॉल्वेंसी वर्ड का क्या मीनिंग है। सॉल्वेंसी मतलब है कि भाई आपके पास उस समय कितना लिक्विड, मतलब पैसा जो है बिजनेस को चलाने के लिए, वर्किंग करने के लिए, फंड्स, कैश, या चलो बैंक में कुछ पैसे रखे हुए, या कुछ ऐसा चीज है जो मैं तुरंत कन्वर्ट कर लूंगा पैसे पे, बिल्डिंग है, लैंड है, क्या ये तुरंत कन्वर्ट होते हैं? नहीं, ये तुरंत कन्वर्ट नहीं होते। थोड़ा एसी चलाइएगा। लेवरेज रेशियोस, एक्टिविटी रेशियोस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस, लिक्विडिटी रेशियो के अंडर में हमको पढ़ना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, इसको भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया दोस्त,
करंट रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, अभी तेजाब लाओ भैया डालो अभी के अभी, या कैश रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड। बेटा बात समझो दोस्त, इस पूरे बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो लिक्विड रेशियो है और अब बोला जा रहा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो या एब्सोल्यूट कैश रेशियो या क्विक रेशियो या नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो। इसमें हो क्या रहा ना, कुछ कुछ एक एक एलिमेंट को माइनस करते रहेंगे, ठीक है, एक एक एलिमेंट को। करंट रेशियो में समझ लो ये 5 आइटम आ रहा है, क्विक रेशियो में हो सकता है उसी 5 की जगह 4 आइटम आ रहा है, कैश रेशियो में 5-4 की जगह 3 आइटम आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अगर रेशियो का जो मेन हेडिंग है उस हेडिंग को अगर आपने पकड़ लिया है तो रटना नहीं पड़ेगा दोस्त। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको रट कर एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। तो अगर आपको रट के एग्जामिनेशन देना है तो फिर आप एक बात बताओ, फिर आप मैनेजमेंट गुरु कैसे बनोगे? आप एक बड़े कंपनी के बड़े पोजीशन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनना चाहते हो और आपने फॉर्मूले रट रखे हैं तो आप डिसीजन कैसे लोगे? तो प्लीज ये रटने वाला फॉर्मूला पे काम मत करो। कौन सा रेशियो, देखो एक बात बताओ, ये अगर इतने अलग अलग टाइप के रेशियोज है तो आपको ये भी समझना होगा कि सर ये क्विक रेशियो है, कहीं कैश रेशियो है, कहीं करंट रेशियो है, कहीं नेटवर्किंग कैपिटल रेशियो है। तो भैया अलग अलग रेशियो को अलग अलग लोग एनालाइज कर रहे हैं ना कंपनी में, समझिएगा बात को, और अलग अलग रेशियो के अलग अलग डिसीजन निकलेंगे। तो जब तक आप उसके पूरी बातों को पूरा गोल गोल नहीं समझोगे तो आपको लगेगा यार ये बेकार की बातें। तो मैं ये भी चाहता हूं कि साथ साथ ये जितने रेशियोज निकाले जा रहे हैं उसका डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट आप जब करेंगे, जब हम और आप मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसी समय हमें ये डिफरेंसेस भी समझ में आने चाहिए। बोलो हाँ या ना, अगर हाँ बोलते हो तो आगे बढ़ते हैं, ना बोलते हैं हाँ मुझे मालूम है कुछ बच्चे भी बदमाशी करेंगे ना जाइए सर ना, अरे भैया ठीक है ना, तो भैया अपना ये YouTube चैनल को बंद कर दो, पॉज कर दो। और अगर हाँ बोलने का इच्छा है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ, ठीक है, कमेंट में लिखो हाँ, मैं भले ही उस कमेंट को बाद में देखूं मगर आपका हाँ कितना है मेरे साथ ये तो मुझे कम से कम पता चलना चाहिए। आइए अब लेवरेज रेशियोज का बात करते हैं। लेवरेज रेशियोज में है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज या है कवरेज रेशियोज। चलो ये सब को हम बाद में चर्चा करेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज कर दूं, अभी फिलहाल जो है हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो पे, ठीक है। ये इतने सारे रेशियोज है, टर्नओवर रेशियोज में एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट, तो ये सब को हम धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करते चलेंगे। तो फिलहाल लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पे हमारा फोकस है, मगर उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा है, थोड़ा सा स्पीड में रीडिंग लगाएंगे, क्या आप हमारे साथ हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस to meet the information need of decision makers. Financial statements. अब ये financial statement क्या है? Financial statement होता है balance sheet. Financial statement मतलब है profit and loss. और financial statement मतलब है cash flow. अब ये क्या बोल रहे हैं? Financial statement provide vital information about the financial results and financial position of a business to meet the information needs of the decision makers. ये एकदम starting में हमने पढ़ा था, decision makers कौन है? जो आपके creditors है, suppliers है, investors है, bank है, bank आपको loan देना चाहती है, तो bank, ये सब सारे के सारे लोग आपके financial statement मतलब balance sheet, PL and cash flow statement देखते हैं
उनका अपना अपना रिक्वायरमेंट मीटअप करने के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं वो। ठीक है, यहां तक तो बात एकदम क्लियर है। हाउएवर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, डू नॉट प्रोवाइड, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट। अगर किसी बच्चे के दिमाग में, अरे यार ये रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, तो ये जवाब यहां पर मिल रहा है, डू नॉट प्रोवाइड एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। तो ये एनालिटिकल इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, रेशियो से मिलेगा। एनालिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, टू प्रोवाइड डिटेल्ड इनसाइट, घुस जाएंगे हम पूरे अंदर में, डिटेल्ड इनसाइट इनटू द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमें पूरा डिटेल्स चाहिए, पूरा डिटेल और एनालिसिस, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा रेशियो एनालिसिस से। एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, हाँ सर ये तो हम सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, बट मगर क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन वेदर दिस नेट प्रॉफिट इज कॉमेंसुरेट या इन लाइन विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कमाल हो गया भैया, ये देखो अब आया एनालिसिस, यही सारे एनालिसिस हमें करने हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एनालिसिस में क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें बताया जाता है, नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। अब समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी तक हमने ऐसे पीएल बनाया है, सब कुछ किया, अब आया समझ लो जो भी प्रॉफिट आया, ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है, किसी एक कंपनी का प्रॉफिट है 50 लाख, किसी एक कंपनी का प्रॉफिट है 75 लाख, अच्छा लैक्स। अब ये 50 लाख वाले भाई साहब ने 5 करोड़ रुपया लगा रखा है कैपिटल, 50 लाख का प्रॉफिट करा, पैसे लगे 5 लाख, ये 75 लाख वाले भाई साहब ने 3 करोड़ रुपया लगा रखा है, प्रॉफिट किया 75 लाख। तो ये 3 करोड़ लगा के 75 लाख कमा रहे हैं, ये 5 करोड़ लगा के 50 लाख कमा रहे हैं, तो कौन सा कंपनी बेटर हुआ, या ये 5 करोड़ रुपया लगा के, तो आपको पता चल जाता है। या चलो एक काम करते, दोनों कंपनी को सेम प्रॉफिट देते हैं, एनालिसिस का बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कंपनी का प्रॉफिट है 50 लाख, यहां पर कैपिटल इन्वेस्टेड है 4 करोड़, यहां पर कैपिटल इन्वेस्टेड है 2 करोड़, तो बताइए कौन सा कंपनी बेटर है। ऑफ कोर्स कंपनी, ये वाली कंपनी बेटर है, क्योंकि 2 करोड़ रुपया लगा के 50 लाख रुपया का प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ लगा के अगर 50 लाख का कर रहे हैं, साल का प्रॉफिट 50 लाख का है, तो मतलब 4 साल में मैं अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं 4 साल में मैं निकाल लूंगा, और ये 50 लाख का इन्वेस्ट, 50 लाख का प्रॉफिट, इसको लगेगा 8 साल। ये एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है, ये सब एनालिसिस हमें करने हैं। अब ये सब एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, इसका अलग अलग नाम हो जाता है, ठीक है। ये तो अभी हमने बात किया प्रॉफिट का, तो कभी कभी बात प्रॉफिट से पहले, कभी कभी अपने बात करते हैं टर्नओवर का, कितना सेल्स किया, इस कंपनी ने सेल किया 500 करोड़ का, इस कंपनी ने सेल किया 1000 करोड़ का, तो सेल फिगर से भी कुछ कुछ रेशियो निकाले जाते हैं, ठीक है, टर्नओवर से, चलो अपना एसेट कितना है,
इतना टर्नओवर क्रिएट करने के लिए क्या लगा। तो ये सब सारी बातें जब हम अगर डिटेल में घुस के सब चीज़ को एनालाइज करने बैठेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये अकाउंटेंसी का पूरा फंडा जो है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो रटने वाले बच्चे सावधान। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एनालिसिस में नेट प्रॉफिट के साथ कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, ये सब सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विच नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस से दोस्त, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो, दे आर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं कि नॉनसेंस है, मीनिंगफुल है, ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, सारे फाइनेंस रिलेटेड डेटा जो है, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट याद करो, जो पैसे पे कन्वर्ट हो सकता है वो ही बैलेंस शीट में जाता है, विच नीड्स इंटरप्रिटेशन। ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को इंटरप्रेट करना जरूरी है। बैलेंस शीट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया, बट एक समझदार व्यक्ति देखेगा बैलेंस शीट को, अच्छा 5 करोड़ का एसेट है, अच्छा प्रॉफिट किया 20 लाख रुपए का, ओहो, फिर दूसरा बैलेंस शीट मिला रहा है 5 करोड़ का एसेट, प्रॉफिट किया 40 लाख, अच्छा कैश में कितना है, बैंक में कितना है, फिक्स्ड एसेट कितना है, इन्वेंट्री कितना है, अच्छा अरे भैया तुम्हारा तो 2 करोड़ का इन्वेंट्री जाम दिख रहा है। तो अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है। हेंस देयर इज अ नीड टू परफॉर्म सर्टेन एडिशनल कैलकुलेशंस सो एज टू डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन माय फ्रेंड, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे मीनिंग निकालना होगा हमें, डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वी परफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय कैलकुलेटिंग वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आर एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, अब हमें एनालाइज करना है तो हमें चाहिए अकाउंटिंग रेशियोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेफर्स टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पार्टीज। किसके लिए बन रहा है? फॉर पार्टीज डिमांडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन दिस एनालिसिस यूजर ओरिएंटेड अप्रोच इज अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेडिशनल प्रोप्राइटरी अप्रोच। यूजर ओरिएंटेड, कोई इंसान का स्टॉक का इंचार्ज है तो उसको स्टॉक रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो वो स्टॉक वाला रेशियो लगाएगा भाई, ठीक है। तो अलग अलग यूजर, बैलेंस शीट तो वो सेम है पर उस बैलेंस शीट को यूज करने वाले कंपनी के इंटरनल यूजर्स अलग अलग है। तो जिसको जो मसाला इंपॉर्टेंट लग रहा है वो वहां से मिला के अपना इंफॉर्मेशन बना रहा है। ये चीज समझ में आ चुका है आपको? दिस चैप्टर कवर्स द टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज फॉर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर असेसिंग। क्या असेस करेंगे? सॉल्वेंसी असेस करेंगे, एफिशिएंसी असेस करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रेशियो एंड द रेशियो एनालिसिस, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो इज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स है, बैलेंस शीट का वेरिएबल है और हो सकता है पीएल का वेरिएबल है, दोनों का कहीं ना कहीं कुछ इंटर रिलेशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स ऑफ आइटम्स एंड ग्रुप ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग रेशियोज आर नथिंग बट रेशियोज दैट आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
एसी बंद क्यों कर दिया भाई? फॉर एग्जाम्पल, इफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 5,000 एंड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 50,000, इट कैन बी सेड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट इज 10% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. दिस रेशियो इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. सिंपल सा बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, जो भी काम कर रहे हैं उससे रेवेन्यू, कितना टोटल पैसा इनफ्लो हुआ. तो यहाँ इस केस में बताया जा रहा है कि टोटल इनफ्लो हुआ भैया 50,000 रुपया और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 5,000 है. तो 5,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100. इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को भूल जा रहे हैं, वो रेशियो में खो जा रहे हैं. इन्फॉर्मेशन क्या है कि भैया टोटल इनफ्लो हुआ 50,000 रुपये का मगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 5,000 का. अब हमें ये दो पैरामीटर्स मिला है, टोटल इनफ्लो या जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको और बेटर तरीके से अगर हम बोले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000. तो ये दो चीज को हम यूज करेंगे, ये दो पैरामीटर को हम यूज करेंगे. तो ये दो पैरामीटर को यूज करने से क्या निकल के आएगा, 5,000 बाई 50,000 परसेंटेज में बात करें हम तो 10%, रेशियो में बात करें तो हम 1/10 बोल सकते हैं, 1/10. तो ये सिंपल सी बातें, तो ये इसको समझना होगा आपको, रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द कैलकुलेटेड रेशियो एंड टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द सेम. रेशियो एनालिसिस इज एन अकाउंटिंग टूल यूटिलाइज्ड इन एनालिसिस इंटरप्रेटिंग द वेरियस आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग इन अंडरस्टैंडेबल टर्म्स टू इट्स यूज. मेयर्स एक्सप्लेन्ड एज रेशियो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स इन द बिजनेस. ये रिपीट हो रहा तो मैं इसको आगे बोल नहीं रहा कुछ. रेशियो एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक रियूज ऑफ रेशियो to interpret the financial statements in order to determine the performance of financial condition of the business enterprise. The term accounting ratios refer to the numerical relation between the two components, items, variables of the financial statements. वापस से वही बात आया, two items, two variables को compare करेंगे, समझ चुके हो आप, मैं और आगे speed में बढ़ रहा हूँ. Ratio analysis can be performed on historical financial information or prospective financial information. ये कमाल का बात है, और prospective. बैलेंस शीट जो है, जो घटना घट चुकी है बैलेंस शीट में भैया वही इंफॉर्मेशन आता है. रेशियो एनालिसिस क्या बोल रहा है, जो घटना नहीं भी घटा है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. हम एक अजम्पशन मान सकते हैं कि चलो अगर यही बात है, अगर हमारा यही प्रॉफिट इसी तरीका से है तो अगर ऐसा होगा तो सेल्स कितना होगा, ये होगा तो ये कितना होगा. तो हम रेशियो में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक भी पहुंच सकते हैं. तो जहां कुछ काम का बात आएगा हम आपको रोक के समझाएंगे, वरना हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे. रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट अ सिंगल अकाउंटिंग फिगर बाय इटसेल्फ मे नॉट कम्युनिकेट एनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. सिंगल अकाउंटिंग, ये रेशियो का मतलब ये दो कॉम्पोनेंट, समझ चुके हो. इसी चीज को देखो कैसे घुमा घुमा के बात कर रहे हैं. दोस्त मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, भैया अकाउंट सब आपका लिखना है, आपको यू हैव टू राइट. ये है भैया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अब अगर रेशियो एनालिसिस के ऊपर अगर कोई 2 नंबर या 4 नंबर का कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप देखो कि जो हम रीड कर रहे हैं कम से कम आप कुछ लिखने लायक रहोगे. आपको पता है कि 2 वेरिएबल से कंपेयर करना है. अब देखो पॉइंट के लिए यहाँ लिख दिया है कि सिंगल फिगर से कुछ नहीं होगा. Thank you.
रेशियो एनालिसिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कंपेयरिंग डिफरेंट नंबर्स। देखो रेशियो एनालिसिस बैलेंस शीट से कम कुछ फिगर उठा लिया, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से उठा लिया, इकोनॉमी का सिचुएशन से दूसरे कंपनी या दूसरे फर्म से कंपेयर करना है तो रेशियो में कोई ये नहीं है, इस साल अगले साल पिछले साल मेरा कंपनी उसका कंपनी तेरा कंपनी, तो यही बात है। चलिए पढ़ लेते हैं। रेशियो एनालिसिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कंपेयरिंग डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। ये बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो को एक शब्द अगर बोलना पड़े आपको तो क्या बोलोगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपेयरिंग द नंबर अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर्स डेटा और विथ अदर एंटिटीज द इंडस्ट्री और इवन द इकोनॉमी इन जनरल फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कि एनालिसिस करने के लिए हम कहीं से भी कुछ भी डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। ये एनालिसिस इतना एनालिसिस क्यों करना है सर, सही डिसीजन ले सको आप। एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये रेशियोज तो समझ चुके हम कि चलो रेशियो के लिए क्या है, दो वेरिएबल चाहिए, अपने कंपनी का ले लो, प्रीवियस ईयर का ले लो, सब कुछ ले लो। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब ये आ गया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का बात। जब हम और आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतरेंगे बाजार में तब क्या होगा, तब ये होगा कि अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। प्योर फॉर्म किसे कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर रेशियो सच एज 2:1। अब अगर ये 2:1 वाला फंडा अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो दिक्कत में पड़ जाएगा, चिंता मत करें हम समझाएंगे। लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। परसेंटेज फॉर्म में क्या आता है, रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्मेट एज 10%, 40% एटसेट्रा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म। ऐसा क्यों होता है सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में क्यों है, सॉल्वेंसी रेशियो प्योर फॉर्म में क्यों है, ये भी हमें सोचना चाहिए दोस्त। रटने वाले बच्चे तो रटने चल जाएंगे बट हमें तो रटना नहीं है। जब हम करेंगे तो परसेंटेज को हम कोशिश करेंगे कि ऐसा है कि हम क्या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, या क्या वो एक्स्ट्रा मीनिंग देगा, या वो मीनिंगलेस बन जाएगा, या वो कंफ्यूज करेगा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं चार पैराग्राफ में, ये बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है और उनका रिसर्च के बाद ये आया कि ये बेस्ट टू बेस्ट तरीका है। चाहे तो आप मान लो कि ये बेस्ट तरीका है, या फिर भी अगर आप नहीं मानना चाहते हो मत मानो, मैं तो बोलता हूँ मत मानो, कोशिश करके देखो, दिमाग लगा के देखो। दिमाग लगा के देखोगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं ये बेस्ट है। और जब आपका दिमाग कन्फर्म हो जाएगा ना किसी चीज पे तो ऑटोमेटिकली वो चीज याद रह जाएगा दोस्त हमेशा के लिए। तो क्यूरियोसिटी को जगा के रखो। टाइम्स, रेशियोज आर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर फिगर इज कंपेयर्ड टू अनदर फिगर। दिस इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी, जब भी कोई एक्टिविटी है उसको हम टाइम्स पे बात कर रहे हैं कि जो तुमने किया मैं तुम्हारा डबल कर रहा हूं, दो बार। टू टाइम्स। फ्रैक्शन, रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन सच एज 4/5 एटसेट्रा।
objective of ratio analysis. The objective of ratio analysis can be given as follows: to know the areas of the business which need more attention, to judge the earning capacity of the enterprise. Business ho raha hai, but kya ho raha hai? Capacity ke acha kar raha hai, capacity se bura kar raha hai, kya kar raha hai? To provide deeper analysis of the profitability, solvency and efficiency levels in the business. To provide information for making cross-sectional analysis by comparing the performance with the best industry standards. इस इंडस्ट्री में अगर आप हो तो इस इंडस्ट्री के हिसाब से 15% तो भैया प्रॉफिट कहीं नहीं जाता. इंडस्ट्री कौन तय करता है? इंडस्ट्री मतलब क्या? सेम सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस. सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अगर 100 अलग अलग लोग और काम कर रहे हैं और किसी का प्रॉफिट 16 है, किसी का प्रॉफिट 15 है, किसी का 17 है, तो 100 अलग अलग कंपनीज का एक एवरेज समझ लो आया 16% एवरेज, और आपका कंपनी एवरेज से ऊपर है, 20% पे काम कर रहा है. इसका मतलब आपका कंपनी अच्छा काम कर रहा है, आपके कंपनी में एफिशिएंसी अच्छा है, राइट? और एवरेज 16% और आपका कंपनी 8% या 11% पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, कुछ झमेला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ घटोला है. तो इस तरीके से भी कंपैरिजन किया जाता है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स useful for making projections and estimates for the future. 3 साल का देखा हमने, 3 साल के हिसाब से हमारा हर साल सेल्स जो है 20% से बढ़ रहा है, तो हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं. और सेल अगर मेरा बढ़ने वाला है आगे चल के भी, तो पहले से हमने एनालाइज कर लिया कि हमारा पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये चीज इतना नहीं, हमें इस बार ज्यादा ऑर्डर करना पड़ेगा. प्रॉफिट बढ़ने वाला है, या अगर प्रॉफिट सेल्स बढ़ने वाला है तो मैन्युफैक्चर भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा, तो हमें रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर भी ज्यादा देना पड़ेगा. तो देखो एनालिसिस से कहां कहां फायदा होता है. टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस एंटिटीज. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट. एसपी को बढ़ाने से भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट भैया बाजार में कंपटीशन है मेरे दोस्त. सेल प्राइस को बढ़ाना इजी नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज 100 रुपया में मिल रहा है और आपने अपने प्रॉफिट के लालच में उसको 105 रुपया कर दिया, और कोई दूसरा कंपनी वैसे ही प्रोडक्ट को 95 कर दिया, तो भैया 10 रुपया का फर्क पड़ गया. और वैसे भी कंज्यूमर का माइंड सेट क्या है, 100 था कल तक, अब 105 कर दिया, देखो वो 95 में बेच रहा है, तो भैया कंज्यूमर तो 95 वाले के पास जाएगा. आपका लालच आपको ले डूबा. कल तक आप 1000 पीस बेच रहे थे, अब आप 400 पीस बेच रहे हो. क्यों? क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दिया. तो प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये थ्योरेटिकल अजम्पशन है. एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो थ्योरेटिकली आप एसपी बढ़ा सकते हो, थ्योरेटिकली प्राइस प्रॉफिट बढ़ेगा, बट प्रैक्टिकली नहीं बढ़ेगा. तो प्रैक्टिकली अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना है? सेल प्राइस अगर 100 ही है सेल्स प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कल तक 70 रुपया था, तो आपका प्रॉफिट 30 रुपया था. एफिशिएंसी आपको बढ़ाना है. एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है कि जो कॉस्ट प्राइस आपका 70 रुपया है, आप उसको 60 रुपया पे लेकर आइए. 60 रुपया लाते के साथ आपका दोस्त प्रॉफिट हो गया 40 रुपया. मगर अगर आप चाहते हो कि मैं कल तक 1000 पीस बेच रहा था और आज मुझे 1500 पीस बेचना है, तो ये सेल प्राइस को गिरा दीजिए. 100 के जगह आप 95 कर दीजिए, तो भले ही प्रॉफिट आपका थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर, बट ओवरऑल टर्नओवर बढ़ जाएगा. तो ये सब है गेम. एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस. Ratio analysis is an important tool for analyzing the company's financial performance. There are many advantages derived from ratio analysis. They can be summarized as follows. Helps to understand utility in decisions. Ratio analysis helps to appreciate whether the business firm has taken right decision or not. It indicates how far the ratios have helped
इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब आपने कुछ एनालाइज किया, उस एनालिसिस के बेस पर आपने डिसीजन लिया। जैसे अभी अभी हमने बताया था कि सेल्स मेरा बढ़ रहा है हर साल, तो मुझे ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए, जिससे मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे पास ऑर्डर है और मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ऑर्डर है और सप्लाई नहीं कर पाऊँ, सप्लाई नहीं करूँगा तो सेल्स होगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, पैसे आएंगे नहीं। तो सप्लाई करने के लिए भैया मैन्युफैक्चर करना होगा, मैन्युफैक्चर करने के लिए अच्छा तो भैया एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदना होगा, तो एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदना, तो भैया अभी से ऑर्डर दो क्योंकि जापान पे ऑर्डर देंगे, जापान से इंपोर्ट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रोजेक्शन, फ्यूचर का प्रोजेक्शन आज बैठे बैठे रेशियो एनालिसिस के मदद से आपने कर लिया। तो ये अंडरस्टैंड करेगा, हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी ऑफ द डिसीजन। भैया शाबाश, तेरे को मैं देता हूँ प्रमोशन, क्यों? क्योंकि कल तक मेरा टर्नओवर था 500 करोड़ रुपया, तुम्हारे इस प्रोजेक्शन के कारण जो नया मशीन इंपोर्ट कर लिया टाइम पे, और तुम्हें यकीन था कि हमारा 20% प्रोजेक्शन सेल्स का बढ़ना है, तो 500 से हो गया 600 करोड़, 100 करोड़ का फायदा हुआ भैया सेल्स पे, और हमारा मार्जिन था 20%, तो 20 करोड़ रुपया का फायदा, 20 करोड़ रुपया का फायदा हो गया। वरना अगर ये एनालिसिस हम नहीं किए होते तो हमारे पास 100 करोड़ का ऑर्डर तो होता, बट हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते, सप्लाई नहीं कर पाते, सप्लाई नहीं कर पाते तो सेल्स नहीं होता, सेल्स नहीं होता तो प्रॉफिट नहीं होता। तो भैया ये 20 करोड़ का जो एक्स्ट्रा मुनाफा आया है भैया, तुम्हारे कारण आया है। तो तुम्हारे लिए कंपनी ने डिसाइड किया है फ्री ट्रिप टू स्विट्जरलैंड विथ योर फुल फैमिली। तो कंपनी ने 20 करोड़ कमाया, आपके ऊपर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया और आपको प्रमोशन भी दे दिया। तो ये होता है भैया पावर ऑफ नॉलेज। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया, कंपनी का फायदा करा दिया, और कंपनी का फायदा होगा तभी आपका फायदा होगा, ये हमेशा मान के चलिएगा। तो रटने वाले बच्चे सावधान। जजमेंट ऑफ लिक्विडिटी पोजिशन। लिक्विडिटी रेशियो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन असेसिंग द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। कंपनी बहुत बड़ी है, करोड़ों का एसेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, सब कुछ है, बट लेबर को काम कराने के लिए उसको तो भैया लेबर को तो अपना डेली वेज देना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीज है जहां आपको कैश होना चाहिए, यू हैव टू बी स्ट्रांग विद द कैश, बट बहुत सारे कंपनी का ये लिक्विडिटी पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। क्यों गड़बड़ रहता है? क्योंकि गुड्स तो हमने बनाया, बेचा भी, क्रेडिट पे बेचना पड़ा, तुरंत कैश नहीं दिया, पैसे बहुत है, बैलेंस शीट बड़ा मजबूत है मेरा, बैलेंस शीट देखोगे तो मैं बहुत अच्छे पोजिशन पे हूँ, मगर बैलेंस शीट में आप देखते हो डेटर्स बोलकर एक चीज है, डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स ज्यादा है, लेट्स से डेटर्स है 100 करोड़ का, कैश हमारे पास है सिर्फ 5 करोड़। अब इमेजिन करो क्या कैश या बैंक बोल लो इसको, तो बैलेंस शीट का टोटल तो 105 का है, बैलेंस शीट का टोटल 105 का है डेट इस साइड का, एसेट साइड का। अब अगर ये डेटर्स पैसे दे दें, लेट से 50 करोड़ डेटर्स ने दे दिया, तो ये डेटर्स 50 करोड़ दे दिए तो 100 से 50 हो गया, और ये कैश बैंक में ही तो आएगा, ये 50 का 55 हो गया। बैलेंस शीट तो टोटल आज भी 105 रहा मेरे दोस्त, बट कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन देखो 5 करोड़ से 55 करोड़ में पहुंच गया। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं, बैलेंस शीट देखोगे एक ही है, बट लिक्विडिटी देखोगे तो कल तक 5 करोड़ था, आज 55 करोड़ है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो भी निकालना पड़ता है। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट प्रॉफिट सब दिख रहा है, मगर क्या लिक्विडिटी है? देखो बात हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, बट धीरे धीरे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्टअप करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चला जाएगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, बस बैठेंगे पढ़ेंगे सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अभी आप कर रहे हो पेशेंस के साथ, आई एम वेरी हैप्पी।
ठीक है। सो आर यू हैप्पी? इफ यू आर हैप्पी, मैं देखना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन पे डालिए, यस सर आई एम हैप्पी। अगर आप सैड हो तो सैड वाला चेहरा बना दो, आजकल तो इमोजीज है ना, इमोजी एक अच्छा हैप्पी वाला चेहरा बना दो। तो देखो फीडबैक देते रहो, फीडबैक देते रहो, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9830175050 ये फीडबैक आप देते रहिए व्हाट्सएप पे। बी एस सी ए क्लासेस कोशिश कर रहा है आपको 31 मार्च 2018 तक, या हो सकता है हम 2019 तक भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करें आपको, क्वालिटी फ्री क्लासेस विद कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्त हमें आपसे सिर्फ आपका रिस्पांस मैकेनिज्म स्ट्रांग रखिए, ठीक है। तो रिस्पांस मैकेनिज्म स्ट्रांग रखिए जिससे हम भी मोटिवेट होके आप तक पहुंचना चाहेंगे। एंड यस, वेरी स्लोली वी आर कमिंग अप विथ आवर ओन सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो यू कैन गो एंड अटेंड क्लासेस देयर ऑल्सो। वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर पर बैठकर आप आराम से फुल स्क्रीन पर क्लास करिए। एंड यस, वी विल ट्राई टू कीप द फी वेरी वेरी नॉमिनल, डोंट वरी अबाउट इट। Assessment of long-term solvency. Ratio analysis is useful in analyzing the long-term financial strength of the business entity. The role of profitability ratio is significant in determining such capacity of an entity. Identification of problem areas. Ratios help business in identifying the problem, the weak areas of the business entity. Intra-firm comparison and inter-firm comparison. The performance of different units belonging to the same business firm can be compared easily with ratio analysis. अलग-अलग unit को compare कर लिया, इसको बोलते intra, अपना ही firm का अलग-अलग unit को compare करना. Comparison of firm's performance with other business firms, that is called inter-firm comparison, depicts entity's position against the competitor. कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि भई हमारा gross profit 20% का आ रहा है, उसका 25% का आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर है, पता करो कि हम कमजोर क्यों है, कहाँ है। Trend analysis to sail among the other industries to know the direction of movement. This trend analysis can render the necessary assistance. Limitations पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा आपको जगा दें, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि भाई बहुत देर से सर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज में ध्यान लगाते हैं, उसके बाद हम फिर से जाएंगे एक बार थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे। वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज, आइए हम लिक्विडिटी पे जंप कर रहे हैं दोस्त। वेरियस लिक्विडिटी रेशियोज आर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो को पहले देखना हमें। द करंट रेशियो इज द वन ऑफ द बेस्ट नोन मेजर्स ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। अब ये दो बार आया, ये शॉर्ट टर्म वर्ड आया, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इट मेजर्स वेदर करंट एसेट्स इन द बिजनेसेस आर सफिशिएंट टू मीट द करंट लायबिलिटीज। अब आपके पास दो नया शब्द और आया, करंट एसेट आया है, करंट लायबिलिटीज आया है।
अभी तक आपको एसेट तो पता ही था, लायबिलिटीज भी पता था, करंट शब्द का प्रयोग हुआ, करंट। तो क्या इसमें करंट लगता है सर? क्या लगता नहीं लगता भी समझेंगे। करंट रेशियो, ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये क्विक एसेट्स नहीं होगा, ये होगा करंट एसेट्स। तो ये करेक्शन आप प्लीज कर लीजिए, दिस विल बी करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये करेक्शन आपको करना है। अब करंट एसेट्स क्या है देखिए, और आपको ये बताना है, समझना है कि ये करंट क्यों है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी को बोला जा रहा है करंट एसेट्स। देखो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज पैसे मुझे दे सकते हैं, आज एक इन्वेंटरी है, शर्ट बेचने का काम है, 10,000 शर्ट मेरे पास रखे हुए हैं, ऑर्डर आया, शर्ट बेचा, पैसे आ गए। कितना जल्दी, देखो शर्ट बेचते के साथ पैसे आ गए, राइट। तो इन्वेंटरी बेचेंगे, पैसे आ जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स, बट क्या जनरली आम तौर पे किसी भी इन्वेंटरी को बेचते के साथ क्या कैश तुरंत आता है दोस्त? कैश तुरंत नहीं आता है। हमारे पास आता है डेटर। क्यों आता है डेटर? क्योंकि जनरली हम उधार में माल बेचते हैं। तो ठीक है, स्टेप नंबर वन था इन्वेंटरी बेचा मैंने तो शायद पैसे आ जाए, पैसे नहीं आए तो चलो डेटर का लिस्ट तो आया। अब वो डेटर को फोन करेंगे, अरे भाई साहब वर्मा जी क्या कर रहे हो भैया, देखिए ना एक महीना में बात हो तो पैसा दीजिए ना। तो ये करंट एसेट्स का बात हो रहा है, पैसा का बात हो रहा है, लिक्विडिटी का बात हो रहा है। कैश एंड बैंक बैलेंस, चलो समझ लो कैश या बैंक में पैसा आ ही गया तो आ गया ना, फाइनली इन्वेंटरी घूम के डेटर बना, डेटर से कैश आया, चलो अच्छा बात है। या रिसीवेबल्स, एक ही बात है कि ये पैसा मुझे मिलने वाला है। या अक्रूवल्स, कि जैसे ही हमने गुड्स बेच दिया ये अक्रूवड हो गया भैया, ये पैसा आने वाला है। लोन्स एंड एडवांसेस, किसी का फोन आया, अरे भैया एक बार 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए एक बार 5 लाख रुपया देना, ठीक है। तो आपको पता है कि चलो ये पैसे भी मेरे को जब भी मैं मांगूंगा, जब बोला यार तेरे पास रखा हुआ एक बार देना मेरे को, मैं तेरे को दे दूंगा। या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए मेरे, डिस्पोज तुरंत कर सकता हूं मैं। तो आपको नहीं लग रहा ये सारा बात जो हो रहा है कि तुरंत के तुरंत अगर मुझे पैसे खड़े करने हो, राइट, तो पैसा तुरंत अगर मुझे खड़ा करना हो तो इन्वेंटरी, भैया इन्वेंटरी बेच दो पैसे आ जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो गेम तो इन्वेंटरी से ही शुरू होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, भले ही बड़ा बड़ा प्लांट हो, मशीनरी हो, जो भी हो, अल्टीमेटली बिजनेस को बेचना तो उसका प्रोडक्ट है, राइट। तो बिजनेस को बेचना उसका इन्वेंटरी है। अगर इन्वेंटरी नहीं चालू बेचे हम, इन्वेंटरी नहीं बेचे तो डेटर्स कहां से खड़े हो, राइट और रॉन्ग। तो ये साइकिल इन्वेंटरी से कहीं ना कहीं शुरू होता है, और इन्वेंटरी कभी कभी ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली, भाई हो सकता ना कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा हो मार्केट में, आपने पैसे तो फंसा दिए, इन्वेंटरी बना दिया। तो इसको हम एनालाइज करेंगे आगे, अभी तो हमने माहौल शुरू किया, करंट रेशियो पे बात कर रहे हैं। अब आइए बात करते करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम शर्ट बनाते हैं तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, थ्रेड खरीदा होगा हमने, राइट, हमने कुछ ना कुछ क्लॉथ खरीदा होगा। तो ये सब जिससे हम सप्लायर से जो ले रहे हैं गुड्स, ये क्रेडिटर हो गए, करंट में रहता। ये भी ऐसा नहीं, शॉर्ट टर्म है दोस्त, अब देखो बात आएगा शॉर्ट टर्म। ये सारे लोग को ऐसा नहीं है कि एक एक साल के बाद पैसा देने से चलेगा, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो से जैसा जो टर्म्स है, तो ये 1 महीना से 3 महीना 6 महीना मैक्सिमम अगर चले जाओ
These are all, these are generally it is 1 to 3 months, short term loans. किसी से हमने लोन ले लिया कि यार एक बार देना, ये भी तुमको तुरंत देना है। बैंक से कई बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक के साथ अच्छा संपर्क रहता है, तो बैंक वाले को बोलता है, अरे मैनेजर साहब देखिए ना, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, डेटर्स जो है वो नहीं दे रहे हैं, मैं आपको अपने डेटर्स का लिस्ट भेज दे रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार आप मुझे 10 लाख एक्स्ट्रा दिला दीजिए ना। तो जब बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देता है, एक तरह से उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये आपको इमीडिएट देना है। बैंक वाला क्या करेगा, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जैसे डेटर्स ने आपको पैसे दिए, तो बैंक आप ही का बैंक है वो, क्योंकि आप बैंक उस लेट से SBI के साथ आप अपना बैंकिंग कर रहे हो, तो आप मैनेजर साहब को बोलते हो कि एक बार मुझे 10 लाख दे दो, मेरा एक पार्टी का पैसा आने वाला, जैसे वो 15 लाख आएगा आप अपना 10 लाख निकाल लीजिएगा। तो जितना दिन के लिए, अगर आपने 10 दिन के लिए मुझे वो 10 लाख दिया है, तो बैंक क्या करेगा, 10 दिन का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर लेगा। तो ऑल दीज आर शॉर्ट टर्म। कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स देना, आपको प्रोविजन बना रखा कि ये टैक्स देना है, प्रपोज्ड डिविडेंड, दीज आर ऑल यू नीड टू पे, आपने प्रपोज कर दिया डिविडेंड देना है, अनक्लेम डिविडेंड एटसेट्रा। भले ही किसी ने क्लेम नहीं किया हो, अगर डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये आपका पैसा हो गया, आपको तो इसको अलग से ही रखना है, अनक्लेम डिविडेंड। द मेन क्वेश्चन दिस रेशियो एड्रेसेस, अब देखो ये रेशियो जो हम बना रहे हैं, इस रेशियो का नाम क्या है दोस्त बताइए, इस रेशियो का नाम है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो में आपको करंट एसेट्स आपने देख लिया है, करंट लाइबिलिटीज देख लिया, अब ये क्या बता रहा है, डज योर बिजनेस हैव इनफ करंट एसेट्स टू मीट द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द करंट डेट्स। करंट डेट्स मतलब करंट लाइबिलिटीज, कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपको जितने भी करंट पैसे देने हैं, करंट पैसा मुझे देना है समझ लो 20 लाख रुपया, करंट लाइबिलिटीज मुझे देना 20 लाख रुपया का, और करंट एसेट जो मेरे पास है, जो आने वाला है, वो है 40 लाख रुपया। आने वाला है 40 लाख और देने का प्रेशर है 20 लाख, राइट? तो आपको अच्छा नहीं लग रहा जान के कि चलो आने वाला है भैया 40 लाख और जाने का प्रेशर है 20 लाख। इसको रिवर्स करके देखो, आने वाला है 20 लाख बट देने का प्रेशर है 40 लाख। ये अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आपको टेंशन नहीं होगा कि यार कहां से देंगे, जो आने का है, क्योंकि आने में देखो आपने सब कुछ जोड़ लिया है, जो आपके पास है इन्वेंट्री, चलो भैया इन्वेंट्री बेच देंगे, क्यों बेच देंगे, क्योंकि 40 लाख देना है, ध्यान दीजिए 40 लाख देना है, चल भाई कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख का तो इन्वेंट्री मेरे पास है, बेच देंगे यार 10 लाख की जगह उसको 9 लाख में बेच देंगे, राइट? चलो सन्ड्री डेटर को बोलेंगे, अरे डेटर साहब जल्दी पैसे दो, बट सब कुछ जोड़ जाड़ रहने के बाद भी आपके पास टोटल आ रहा है 20 लाख और देना है 40 लाख, आपने तो सब कुछ जोड़ लिया, तो ये एक पोजीशन बताता आपका कि आपकी औकात है क्या अभी। तो अपना औकात हमेशा पता रहना चाहिए बिजनेस को कि भैया टेंशन लेने का नहीं है, आने का है 40 लाख और जाने का है 20 लाख। तो ये डज योर बिजनेस हैव इनफ करेंट एसेट्स टू मीट द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द करेंट डेट्स विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर पॉसिबल लॉसेज इन द करेंट एसेट्स। आया बात समझ में? सो करेंट रेशियो का मेन काम क्या है, करेंट रेशियो का मेन काम है, द मेन क्वेश्चन ऑफ दिस रेशियो, कौन सा रेशियो, करेंट रेशियो, इज डज योर बिजनेस हैव इनफ करेंट एसेट्स टू मीट द पेमेंट शेड्यूल ऑफ द करेंट डेट्स विथ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर पॉसिबल लॉसेज इन द करेंट एसेट्स। अ जनरली एक्सेप्टेबल करेंट रेशियो इज 2:1, बट वेदर और नॉट अ स्पेसिफिक रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
2:1 अगर है, बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है कि करंट एसेट्स, अगर मेरा करंट एसेट 40 लाख का हो, करंट लायबिलिटीज 20 लाख का हो, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 करते के साथ ये 2:1 आया। कहने का मतलब है कि आएगा 40 लाख, जाएगा 20 लाख। तो ये है करंट रेशियो का जनरल एक्सेप्टेबल रेशियो। तो किसी भी कंपनी का अगर लास्ट में अगर आपको डिसीजन देना पड़े, डिसीजन देना मेरे दोस्त, याद करो मैंने आपको बताया था कि आपसे डिसीजन लिया जाएगा, तो डिसीजन लेते समय अगर आपको ये बताया जाए कि करंट रेशियो इज 2:1, तो 2:1 मतलब ही आप समझ गए हो कि करंट रेशियो मतलब करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2:1। और अगर इसमें आपको बता दिया जाए कि करंट एसेट इज 50 लाख, तो ये आप रिप्लेस कर लो, करंट एसेट है 50 लाख, तो ये अपने आप 25 लाख बन जाएगा, क्योंकि ये दो हिस्सा है तो ये एक हिस्सा है, तो आप काटोगे तो ये 2:1 हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है, तो बहुत रिलैक्स होके इजी तरीके से चीज़ों को समझते हुए करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए करंट रेशियो आप समझ चुके हो, इसके बाद हम करेंगे बाकी रेशियोज, मगर शायद एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद आके इस प्रोसेस को आगे अच्छे से समझेंगे। रिलैक्स रहिए, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
यस दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। आइए इलस्ट्रेशन वन देखते हैं प्यार से। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो करंट रेशियो के लिए आपको दो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो चलिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बताइए, इन्वेंट्री आपका एसेट है? हाँ जी एसेट है, करंट एसेट है। सो इन्वेंट्री के बगल में आप लिख दीजिए करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल्स, पैसा का बात है, ये आने का है या जाने का? आने का है, तो ये हो गया करंट एसेट्स। एडवांस टैक्स, टैक्स तो भले देने का चीज होता है बट कोई भी चीज अगर आप समय से पहले एडवांस में दे देते हैं, तो समय से पहले कोई भी काम कर लिया आपने एडवांस, तो वो एसेट बन जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऑफ कोर्स दिस इज करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स इज करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज करंट लाइबिलिटीज। सो दो आइटम अपना आएगा करंट लाइबिलिटीज और चार आइटम आएगा अपने करंट एसेट्स पे। अब करना क्या है, सिर्फ टोटल करना है, करंट एसेट्स के टोटल, टोटल करंट एसेट्स बाय टोटल करंट लाइबिलिटीज, यही काम करना है। तो मैं फोकस कर रहा हूं कि काम क्या करना है, ठीक है? क्लर्क वाला काम अब क्या करना है, ये क्लर्क वाला काम करते हैं। सॉल्यूशन, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। तो इन्वेंट्रीज 1,00,000 रुपया इधर आ गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,00,000 रुपया इधर आ गया, सही है। एडवांस टैक्स 4,000 रुपया इधर आ गया, सही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 रुपया इधर आ गया। इस सबको जोड़ के आया 2,34,000 रुपया, ये भी यहाँ दिया हुआ है मेरे दोस्त। करंट लाइबिलिटीज के दो सेगमेंट है, दो, एक तो ट्रेड पेएबल्स 2,00,000 रुपए का और एक बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपए का। 2,34,000 बाई 2,04,000 ये आया है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.14 समथिंग। तो ये अब करंट रेशियो जब अपने को लिखना है, करंट रेशियो अब आप लिख दीजिए बड़े प्यार से, करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.14 इज टू 1। जनरली क्या बोला जा रहा है कि 2:1 अच्छा माना जाता है, 2:1, बट यहां क्या है, इस रेशियो से क्या समझ में आ रहा है कि अगर 1,00,000 रुपया देने का है तो आने का इसके पास कितना है, 1,14,000 रुपया। आएगा 1,14,000 रुपया और जाएगा 1,00,000 रुपया, तो बेचारे के पास बच जाएगा सिर्फ 14,000 रुपया। तो आमतौर पे यह माना गया है कि क्विक करंट रेशियो जो है, यह माना गया कि करंट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो 2:1 होता है किसी भी कंपनी का, अच्छा करंट रेशियो। ये देखो क्वेश्चन आते हैं, ये आपको डिसीजन मेकिंग में अगर एनालिसिस हो गया कि 2-3 कंपनी के अलग अलग करंट रेशियोज आपको मिल गए और आपको बताना है कि कौन सा कंपनी बेटर है, तो इमेजिन करो अगर तीन, अगर आपके पास है 1.1 मिनट रुकिए, तो ठीक है जो 2:1 हो या 2:1 के और ऊपर में हो, कोई अगर 3:1 है तो और भी अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है, 2,00,000 रुपया मेरे पास है और इस 2,00,000 रुपये से मुझे सिर्फ 1,00,000 रुपया चुकाना है। तो ये पूरा करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोल रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन क्या देख रहा है कि क्या मेरे पास पैसे हैं क्या। आगे जब हम क्विक रेशियो करेंगे, वापस से यही सवाल है, सवाल यही है कि मुझे पैसे जो चुकाने हैं वो पैसे चुकाने का बंदोबस्त, जुगाड़ मेरे पास कहां से है। तो ये बड़ा जुगाड़ का जब हम बात करते हैं, बड़ा जुगाड़ तो है करंट रेशियो। अब इस जुगाड़ को हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, कभी कभी ऐसा होता ना कि एकदम इमरजेंसी सिचुएशन है, भैया इसको तो पैसे देने ही देने हैं, मगर इन्वेंट्री जो है
कोई जरूरी नहीं है भाई, इन्वेंट्री जो है जैसे करंट रेशियो में हमने इन्वेंट्री को ले रखा है, ठीक है, करंट रेशियो में हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ले रखा है, प्रीपेड। अब जैसे किसी को हमने सैलरी एडवांस में दे दिया या कोई इंश्योरेंस का प्रीपेड कर दिया, तो बाद में तो चलो पैसे नहीं देने उसे, तो आज के डेट में हम उसे अपना करंट एसेट मान रहे हैं। मगर ओवरऑल थ्योरी क्या है? ओवरऑल थ्योरी ये है कि जब मुझे पैसे देने पड़ेंगे करंट लायबिलिटीज टू मीट माय करंट डेट्स, तो एक बात बताइए, आपने स्वीपर को एडवांस पैसा दे दिया तो क्या आप उस स्वीपर को बोलोगे या किसी भी जिनको आपने एडवांस दे दिया या प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस वाले को दे दिया है, तो क्या आप इंश्योरेंस वाले से वापस वो पैसा मांग सकते हो क्या? या जनरली किसी को हमने एडवांस सैलरी दे दिया तो शॉर्ट टर्म डेट को चुकाने के लिए क्या हम अपने एम्प्लॉय को ये बोलेंगे, भैया देखो तुमको जो मैंने एडवांस में जो सैलरी दिया था ना यार, अब मेरे को मैं क्या करूं, चल वापस दे। तो अगर वापस ही मांगना था तो सर आपने दिया ही क्यों? कॉमन सेंस ही बात है। तो अब करंट रेशियो में इन्वेंट्री आ गया। अब इन्वेंट्री भैया जब माल बिकेगा तब बिकेगा, बट जिसको मुझे पैसे देने हैं मैं उसको पैसे के जगह बोलूंगा, एक काम कर भैया, 10,000 रुपया पाता है, ये मेरा शर्ट 1,000 रुपया का है, ये ले ले। चाहे वो मानेगा, कोई नहीं मानेगा, उसको चाहिए नगद पैसे, चाहिए 10,000 रुपये चाहिए उसे या 10,00,000 रुपये चाहिए। आप अपना इन्वेंट्री का बिकने का इंतजार, आप बोलोगे भैया देखो मेरे पास बहुत स्टॉक है, मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूँ, मेरे पास पैसे हैं, तो पैसे है तो दे। बोले नहीं नहीं पैसे मेरे भैया, ये शर्ट जब बिकेंगे ना तब पैसे आएंगे। तो बोलेगा भैया तुम्हारा शर्ट कब बिके मुझे उससे क्या मतलब, मेरे साथ तुम्हारा क्या टर्म्स था कि तुम 2 महीने में मुझे पैसे दे दोगे? अब तुम्हारा शर्ट नहीं बिक रहा है या तुम्हारा शर्ट का डिज़ाइन खराब है या टेलरिंग का गड़बड़ी है, आई एम नॉट बॉदर्ड। तो अब सिचुएशन आ रहा है कि अब तुरंत पैसे देने हैं, क्विक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी दोस्त है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज समटाइम्स कॉल्ड एसिड टेस्ट। बाजार में देखो आपका अगर हवा उछल गया, समझिए मेरा बात को, एसिड टेस्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर जितने भी आपको सप्लायर्स जो है, सप्लायर का पैसा अगर आप टाइम पे नहीं दोगे तो बाकी सप्लायर भी आपको सप्लाई करना बंद कर देगी। आपको अब बिजनेस समझना है दोस्त, ये अकाउंट्स का सिर्फ रेशियो करके निकल जाओगे तो नहीं चलेगा, राइट? तो आपकी कंपनी की नाम को, कंपनी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए ये हो गया एसिड टेस्ट कि भैया ये टेस्ट मैं फेल नहीं कर सकता हूं। कुछ भी हो जाए, अगर 1,00,000 रुपया मुझे देना है तो हे भगवान इतना जुगाड़ जरूर करके रखना कि अगर मुझे 1,00,000 रुपया देने का है तो 1,00,000 रुपया तो मेरे पास हमेशा पैसे रहें, कैश रहें। तो भैया इन्वेंट्री बिके या ना बिके, इन्वेंट्री अगर नहीं भी बिक रही है तो मैं इन्वेंट्री को, चलो एक इसका मतलब क्या है, इन्वेंट्री को तो मैं कैलकुलेशन पे लेता ही नहीं, जा। और जितने भी एडवांस, समझ लो एडवांस टैक्स दे दिया या एडवांस सैलरी दे दिया किसी को, वो पैसे भी आने तो है नहीं। तो अब क्या है, कैलकुलेशन ऐसा करना है कि रियलिस्टिक और रियलिस्टिक बनो कि अगर 1,00,000 देना है तो किसी से वापस दिया हुआ एडवांस पैसा तो वापस मांग नहीं सकते हो, गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट से वापस ले नहीं सकते हो। तो वैसा जो चीज़ ले नहीं सकते हो उसको कैलकुलेशन में डाल रहे हो, तो किस में डाल रहे हो, करंट रेशियो जब हम निकाल रहे थे तो उसमें एडवांस टैक्स भी डाल दिया, प्रीपेड एक्सपेंस भी डाल दिया, इन्वेंट्री भी डाल दिया। तो दादाजी बोल रहे, अरे बेटे ये तूने करंट रेशियो तो निकाल दिया 2:1, बट अगर क्विक, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तेरी इज्जत दाव पे लग जाए, इज्जत दाव पे लगने का मतलब है एसिड टेस्ट, भैया मुंह काला हो जाएगा, समझ लो मुंह पे तेजाब गिर गया, कंपनी बंद हो जाएगी अगर बाजार में नाम खराब हो गया तो। तो इस सिचुएशन का मतलब क्या, एसिड टेस्ट में बोला जाता है कि कम से कम 1:1, ये देख लो भैया 1:1, 1:1 मतलब क्या, जितना मुझे देने का है
जितना मुझे देने का है उतना मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो करंट रेशियो में तो हम बोल रहे थे 2:1, राइट, करंट रेशियो में, क्योंकि हम बहुत कुछ जोड़ ले रहे थे। करंट रेशियो में हम इन्वेंट्री जोड़ ले रहे थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ रहे थे। तो ये सब को हटाओ, दादाजी कह रहे हैं हटाओ बेटा ये सब को, ये 2 लाख है, बट इस 2 लाख में तो तुमने करंट में ये जो इन्वेंट्रीज है, करंट रेशियो जब तुम निकाल रहे हो तो इन्वेंट्रीज प्रीपेड ये सब जो जोड़ रखे हटाओ इसको। तो ठीक है दादाजी हटाते हैं। अब समझ लो इस 2 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपया इन्वेंट्री था, तो 50,000 हटा दिए, प्रीपेड वगैरह सब 25,000 थे। तो हटाने के बाद क्या आया, ये 75,000 अगर आपने हटा दिया तो ये आएगा आपका कितना, 1.25, ये आएगा 1.25। तो दादाजी बोलेंगे चलो कोई टेंशन नहीं है। देखो यहां पर ये फिगर चेंज हो रहा है, देने का जो फिगर है, जो आपको पैसे देने हैं वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। बात को समझिएगा, ये जितना भी लिक्विडिटी रेशियो में हम चेंज कर रहे हैं ये हम अपने आप को और सेफ कर रहे हैं। तो करंट लायबिलिटीज जो है वो तो वहीं का वहीं खड़ा है, उस पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। एक जगह चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है दोस्त। रटने वाले बच्चे सावधान, कॉन्सेप्ट को समझ लो, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये 1.25 है, मतलब 1.25 लाख है मेरे पास, 1 लाख देने का है, कोई टेंशन नहीं है। वापस से एक बार समझो, अगर ये करंट रेशियो है, करंट रेशियो में हमारे पास 2:1 है, कोई टेंशन नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। मगर इस 2:1 में समझ लो ये 2 लाख है और यहाँ 1 लाख है, मैंने 1.5 लाख रुपया का तो अपना इन्वेंट्री जोड़ रखा है, और समझो कि मेरा बाकी प्रीपेड वगैरह कुछ नहीं है। तो 1.5 लाख का इन्वेंट्री हटाते के साथ देखो पूरा का पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा। ये हो गया 0.5, और अगर समझ लो कुछ प्रीपेड वगैरह का भी है तो ये हो गया 0.4, मतलब है 40,000 और देना है 1 लाख, 60,000 रुपया डेफिसिट में हो मेरे दोस्त। मुंह काला हो जाएगा, एसिड फिक जाएगा चेहरे पे, समझ लो एसिड टेस्ट है ये। तो 1 लाख देने का है 40,000। तो क्या ये रेशियो कंपनी का, जब भी आप ये रेशियो देखोगे, आप एक मैनेजमेंट गुरु हो, ठीक है, आपको समझ लो सीक्रेटली बात कर रहा है किसी के सामने, आपको नहीं बताना है कि देना कितना है। रेशियो का बात करने का मतलब क्या है, यू डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज। अब ये 0.4 एंड 1 जो है, ये देखो 4 रुपया है मेरे पास और 10 रुपया देना है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो में 4 लाख है मेरे पास, 10 लाख देना है, ये भी हो सकता है, और 4 करोड़ है मेरे पास और 10 करोड़ देना है, ये भी हो सकता है। किसी भी चीज को जब हम रेशियो में डिफाइन करते हैं तो कंपनी का पोजिशन समझ में आ रहा है, करोड़ों का बात नहीं हो रहा, पोजीशन का बात हो रहा है, क्वांटिटी का बात नहीं हो रहा है यहां पर, आपका क्वालिटी क्या है, कंपनी का क्वालिटी क्या है, ये समझ में आ रहा है। तो क्वालिटी भैया ये है कि अगर 10 करोड़ देना है तो 4 करोड़ है, 100 करोड़ देना है तो 40 करोड़ है, 1,000 करोड़ देना है तो बताइए कितना है आपके पास। तो ये रेशियोज आपको इस तरीके से डिसीजन लेने में मदद करती है। तो अब अपने बात करें क्विक रेशियो का, तो क्विक रेशियो आप समझ चुके हो, आगे लेकर चलते हैं आपको। अब क्विक रेशियो में क्या है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, ये फॉर्मूला है क्विक एसेट्स, जो करंट एसेट्स जो हमारे थे उसमें क्विक कौन है, कितना तेज भागने वाला एसेट है। तो क्या इन्वेंट्री तेज भागने वाला एसेट है, नहीं भैया, इन्वेंट्री बड़ा ही मोटा है, मोटू लाल है इन्वेंट्री, धीरे धीरे भागता है। तो क्विक एसेट्स, एसेट्स का रेस लगाइए और कौन सा एसेट जल्दी भागता है उसको पकड़िए। अगर आपके पिताजी को रेस में पैसे लगाने तो वो जो घोड़ा क्विक भागता है उसी पर तो पैसे लगाएंगे। तो आइए क्विक रेशियो में हमें क्विक भागने वाला घोड़ा को पकड़ना है। तो क्विक भागने वाला घोड़ा कौन है, करंट एसेट्स जितने टोटल थे,
इन्वेंट्री जो है भैया मन मौजी है इन्वेंट्री, कस्टमर ग्राहक और मौत कब आए किसी को नहीं पता है, तो कब ऑर्डर आ जाए कब नहीं आए वी कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये इन्वेंट्री जो है इसको समझिए कि ये तेज दौड़ने वाला नहीं है। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस तो भैया रेस में है ही नहीं, वो तो आपसे पैसे लेकर छुट्टी मनाने चला गया है, तो रेस में तो दौड़ेगा ही नहीं, तो उसके ऊपर तो उम्मीद करना भी बेकार है। तो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस तो ये तो आपके साथ नहीं है। तो क्विक एसेट्स में जो आपके साथ नहीं है, जो क्विक दौड़ने वाला नहीं है, एक तो है जो मोटा है दौड़ेगा ही नहीं, जो इन्वेंट्री है, और प्रीपेड वाला भाई साहब तो गांव गया हुआ है, छुट्टी मना रहा है, हनीमून मना रहा है, पहले ही पैसा लेके भाग गया है। तो ये चीज समझ चुके हो आप। तो करंट लाइबिलिटीज एज मेंशनड अंडर द करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का जो करंट लाइबिलिटीज था वही करंट लाइबिलिटीज है। तो क्विक रेशियो क्या है? द क्विक रेशियो इज मच मोर कंजर्वेटिव मेजर, कंजर्वेटिव अप्रोच है कि बुरा से बुरा, मुंह पे क्या कालिक पुत जाएगा, नहीं जी, ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देन द करंट रेशियो। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन, कौन सा सवाल को जवाब देगा? इफ ऑल सेल्स रेवेन्यू शुड डिसअपियर, कुड माई बिजनेस मीट द करंट ऑब्लिगेशन विच आर रेडली कन्वर्टेबल क्विक फंड ऑन हैंड। सेल्स रेवेन्यू को डिसअपियर कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये बात इन्वेंट्री का कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री ही तो सेल रेवेन्यू बनता है। क्विक एसेट्स और अच्छे से अगर समझना है तो क्विक एसेट जो मैंने कहा कि इन्वेंट्री मोटा है भाग नहीं पाता, कैश में कौन, जो भैया समझ लो दादाजी बोलते जो तेज भागेगा मैं उसी को पैसे दूंगा, तो तेज भागने वाला में इन्वेंट्री नहीं है। क्विक एसेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कैश एंड नियर कैश एसेट्स, कैश हो या नियर कैश हो, मैडम एसी चलाइएगा प्लीज। इन्वेंट्रीज आर डिडक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स ऑन द बिलीफ दैट दीज आर नॉट नियर कैश एसेट्स। ये रेस है ना, सब भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, सब करीब है करीब है, और ये भैया इन्वेंट्री है मोटू, तो ये सारे कैश के करीब है, ये क्या करीब है, ये मोटा आदमी है, बहुत दूर है, नॉट नियर, नॉट नियर, याद रखिएगा दोस्त, इन्वेंट्री इज नॉट नियर। कंपटीशन में आपको अपने बेस्ट को उतारना है, तो इन्वेंट्री दूर दूर तक बहुत दूर है, और ये तो है ही नहीं, ये तो भैया गांव से बाहर है, रेस के बाहर है, रेस का लाइन ये है तो ये रेस के बाहर है, प्रीपेड ये रेस के बाहर है, एडवांस रेस के बाहर, एडवांस टैक्स, तो नॉट नियर कैश एसेट्स। एंड ऑल्सो बिकॉज इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अब बहुत तकलीफ में है आप, तो मोटा आदमी तकलीफ में ये आपको क्या बचाएगा, ये तो गाड़ी में फिट भी नहीं होगा, अगर दादाजी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो स्टीयरिंग जो व्हील है ना उसका पेट अटक जाता है, तो ये आपके कोई काम में नहीं आने वाला डिफिकल्टी वाले दिन, क्विक नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, चुस्त नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन्वेंट्री मे बी सेलेबल ओनली एट लिक्विडेशन वैल्यू, अब बहुत तकलीफ में है तो इन्वेंट्री सही टाइम पे कम वैल्यू पे बिकेगा, ठीक है। बट इन द सेलर्स मार्केट इन्वेंट्रीज आर ऑल्सो नियर कैश एसेट्स, जब बाजार में सेलर मार्केट है, जब सेलर का बोल बाला है, बट अपने इकोनॉमिक्स पढ़े हैं दोस्तों, अपने पढ़े हैं बायर इज द किंग, कहां अपने पढ़े हैं कि सेलर इज द किंग, सेलर मार्केट के लिए मोनोपोली होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट में अगर मोनोपोली है तब तो चलो सेलर मार्केट है, बट जनरली आम तौर पे मैंगो तौर पे ये देखा गया है कि सेलर मार्केट जनरली नहीं होता है, बट इन सेलर्स मार्केट इन्वेंट्रीज आर ऑल्सो नियर कैश एसेट्स। अब दोस्त क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम चाहते हैं कि कुछ भी छोड़े नहीं आपके लिए,
अब अगर कोई क्वेश्चन बनाए, अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना हो और मुझे आपको फंसाना हो, तो मैं पता क्या लिखूंगा, एबीसी कॉरपोरेशन इज सेलिंग अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक टॉय एंड इट हैज क्रिएटेड एन एब्सोल्यूट सेलर्स मार्केट अगर ये चीज मैंने लिख दिया दोस्त मेरे, एब्सोल्यूट सेलर्स मार्केट, और उसके बाद मैं आपको कुछ रेशियो निकालने के लिए बोलता हूं, और मैं ये भी लिख दे रहा हूं, दे आर गेटिंग द प्राइस दे आर व्हाट दे आर डिमांडिंग एंड दे हैव एडवांस बुकिंग। समझिएगा दोस्त, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब सीए इंस्टीट्यूट में ये रटे हुए क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले हैं। ये जितने आरटीपी से पुराने क्वेश्चन को रट लो, 20 बार सॉल्व कर लो और आओ भैया एग्जाम में बैठ जाओ, वो बच्चे पास नहीं होने वाले। इतना जो एक एक चीज को पकड़ पकड़ के जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। दे वॉन्ट टू टेस्ट वेदर यू हैव द रियल कॉन्सेप्ट एंड द रियल नॉलेज। सेलर मार्केट, और ये आपको कहानी बता दिया तो ये एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपका इन्वेंट्री इज एब्सोल्यूट लिक्विड। इस केस में इन्वेंट्री मोटा नहीं है, इन्वेंट्री तो सबसे तेज भाग रहा है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझे नहीं, आपको लगा यार क्या क्वेश्चन है, इतना कहानी क्यों लिख रहा है, क्योंकि आप रटने वाले बच्चे हो, आपने रट लिया कि इन्वेंट्री को माइनस करना है, तो उस तरीके से नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। तो आर यू रेडी? सो इस सिचुएशन पे आपको पता है सेलर मार्केट, अगर क्वेश्चन ने आपको ये बता रहा है कि यस इस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ सेलर मार्केट, तो इन्वेंट्री का कहानी चेंज हो गया। Prepaid expenses are deducted from it because these are expense paid in advance and hence cannot be converted into cash. ये तो क्लियर बात है, प्रीपेड तो भैया वो तो रेस में आ ही नहीं सकता है, हमने आपको इसी चीज को अलग अलग तरीके से बताया। एन एसिड टेस्ट ऑफ 1.1 हो गई इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री अनलेस द मेजोरिटी ऑफ क्विक एसेट्स आर इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब देखो ये एक और नया, एक तो बहुत मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी को हम बोल रहे हैं इन्वेंट्री, और एक दूसरा मोटा आदमी को हम बता रहे हैं डेटर्स। अब डेटर्स मोटा कैसे हो गया भैया, डेटर मोटा है या पतला है कैसे पता चलेगा बताइए? डेटर जो है वो मोटा है या डेटर पतला है, ये अगर हम आपसे पूछें तो आप कैसे बताएंगे? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए चुस्त एंड तंदुरुस्त, क्विक आदमी चाहिए आपको, तो डेटर भी ऐसा होना चाहिए। डेटर मतलब जिससे हमें पैसा मिलना है। अब हम समझ लो हर महीने 10 लाख रुपया का टॉय बेच रहे हैं, एवरी मंथ, और 10 लाख रुपया का टॉय बेच रहे हैं, समझ लो हम 8 लाख रुपया का कुछ खरीद रहे, तो हमारा डेटर हर महीना 10 लाख का है और क्रेडिटर हर महीना 8 लाख का है। ये भाई साहब जो है, अब सेल्स तो हमारा हर महीना चल ही रहा है, राइट? 6 महीने में हमने 60 लाख का सेल कर दिया, कोई डाउट? क्योंकि हर महीने 10-10 लाख का कर रहे हैं, सेल तो हमने कर दिया। बट ये जो डेटर, क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं, ये डेटर भाई साहब जो है हमें 3-3 महीने में पैसे दे रहे हैं, 3 महीने में, तो 3 महीने करके 6 महीने में आया हमारे पास 20 लाख रुपया, 3 महीने में करके मुझे मिल रहा है। और ये जो क्रेडिटर भाई साहब जो है, ये भैया पूरा का पूरा 8 लाख हर महीने ही चाहिए इसको, तो 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स 8 6 48, तो मुझे देना तो पड़ गया 48 लाख, आया मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपया,
क्यों? क्योंकि डेटर है लिस्ट में, तो है सेल हमने किया तो डेटर का लिस्ट तो है 60 लाख का, 60 लाख का लिस्ट है मेरे पास, बट आ रहा कितना आ रहा है तो भैया 20 ही लाख है। तो डेटर बुक्स में तो अच्छा है, बट अभी हम बात करें क्विक रेशियो, क्विक इज माई डेटर क्विक। सर डेटर तो स्लो है बट क्रेडिटर बड़ा फास्ट है, क्योंकि आपको बड़ा फास्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, इस सिचुएशन पे भी तो भैया फंस जाओगे। तो ये भी चीज समझने का है, तो समझ लो चीजों को, और एक बार यार समझ लोगे ना तो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे देश में हर इंसान के पास एक अच्छा खासा बिजनेस दिमाग है, राइट? तो वी आर ऑल बॉर्न बिजनेस पीपल यार, ठीक है? और खास करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आया, कहीं ना कहीं उसे मालूम है कि यस मेरा प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट सही चलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। एन एसिड टेस्ट, कलर चेंज करना चाहता हूं, रुकिए। एन एसिड टेस्ट ऑफ 1.1 इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री। 1.1 है, वन, फिर मैं 1.1 बोला, 1:1 होगा, सॉरी। तो इस 1:1 में क्या मैंने डेटर लिया है? हाँ जी लिया है। क्या मैंने इधर क्रेडिटर लिया है? हाँ जी लिया है। अब ये समझना है कि यहां 60 लाख का डेटर है, यहां 48 लाख का क्रेडिटर है, बट पैसे आज के आज देने हैं। 6 मंथ्स में ये आया 20 लाख रुपया, और ये 6 मंथ्स में जाएगा 48 लाख रुपीज। तो शुरू में तो 60 और 48 अच्छा लग रहा था, बट बाद में क्या हुआ? ये हो गया 20 और 48। तो यही समझना है, अनलेस द मेजोरिटी ऑफ क्विक एसेट्स आर इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब मेजोरिटी समझ लो, ये 1:1 60 है, बाकी भी है, तो यहां समझ लो 100 है और यहां 100 है, तो 100 एंड 100 है, तो कोई टेंशन नहीं है। मगर टेंशन हो सकता है, क्योंकि इस 100 में से 60 जो है ये स्लो डेटर है। समझिएगा बात को, डेटर इज कमिंग एट अ स्लो स्पीड, पैसे जो रियलाइज हो रहे हैं स्लो रियलाइज हो रहे हैं। कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री अनलेस द मेजोरिटी ऑफ क्विक एसेट्स आर इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अब मेजोरिटी जो है 100 में से 60 मेजोरिटी हो गया अकाउंट्स रिसीवेबल में, एंड द पैटर्न ऑफ अकाउंट्स, क्या बोल रहे हैं, एंड द पैटर्न ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। अब पैसा जो आ रहा है कैसे आ रहा है, कलेक्शन अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन जो है लैग्स बिहाइंड द शेड्यूल फॉर पेइंग करेंट लाइबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया था, हम हर महीना 8 लाख दे रहे हैं और हर 3 महीने में 20 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हर 3 महीने में हम 24 लाख दे रहे हैं और हर 3 महीने में आ रहा है 20 लाख। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो गया दोस्त, भले ही यहां पर ऊपर में 1:1 दिख रहा है, बट अंदरूनी काम क्या हो रही है? अंदरूनी हरकत तो भैया बदल गया है, स्पीड स्लो होने के कारण, क्योंकि डेटर का स्पीड और क्रेडिटर का पेमेंट का स्पीड मिसमैच हो गया है। तो भले ही ऊपर में टोटल 100 एंड 100 है, मगर यहां पर आ रहा है 20 और जा रहा है 24। तो ये 1:1 जो ऊपर में दिख रहा था, ये लास्ट में घूम पे ये धोखा हो गया कहीं ना कहीं, आ रहा है 20 जा रहा है 24। तो ये आप देखो कि ये 1:1 है, नहीं ये चेंज हो गया। तो ये अगर 24 आ रहा है और 24 जा रहा है तो ये 1:1 कहलाएगा। तो ये जो आपका यूनिवर्सल 1:1 है, दैट हैज टू मैच अंदर की बातों से। आइए इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज 1 लाख, करंट एसेट्स 1,60,000, इन्वेंट्री जो कि मोटा है 40,000, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मतलब क्या है कि पैसे पहले से लेकर हनीमून मना रहा है,
ठीक है, तो ये हमारे कोई काम में नहीं आने वाला, ये तो हनीमून मना रहा है, ये भाई साहब मोटा है। प्रीपेड वाला भी समझ लो छुट्टी मना रहा है, ओके, ये हॉलिडे में। तो आज का गेम में आपके साथ कौन है? एडवांस टैक्स आपके साथ है? नहीं है। प्रीपेड वाला आपके साथ है? नहीं है। ये भाई साहब है, बट इनका रहना ना रहना बराबर का बात है। तो ये आपको समझ में आने लग गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। लिक्विडिटी रेशियो इज लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। अब जैसे लिक्विड का मतलब है पानी या समथिंग, नॉट लिक्विड मतलब वाटर, तो वाटर इज अ लिक्विड, बट लिक्विड डजंट मीन कि इट इज वाटर। तो जो भी आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तो आपने पढ़े हैं, तो एक बात बताओ, सॉलिड तेज भागेगा या लिक्विड तेज भागेगा? तो लिक्विड। सो जो भी तेज भाग रहा है वो लिक्विड है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेंट्री जो है उसको अपने लिक्विड नहीं मान रहे। या अगर चलो अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझना है, जो भी चीज तुरंत के तुरंत नगद नारायण पैसे में, महात्मा गांधी में कन्वर्ट हो सके तुरंत के तुरंत, उसे हम लिक्विड कहते हैं, लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट जो होते हैं उसमें से आप इन्वेंट्री को हटा दो। क्यों हटा दे सर? क्योंकि हम इन्वेंट्री को लिक्विड एसेट नहीं मान रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि हम इसको भी लिक्विड एसेट नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि ये मेरे पास, एक बार हमने किसी को प्रीपेड दे दिया तो ये वापस मेरे लिए कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। एडवांस टैक्स है गवर्नमेंट को, हमने दे दिया, गवर्नमेंट से वापस पैसे नहीं मांगे जाते हैं। तो अब यहाँ पर 1,60,000 है ना ये करंट एसेट, माइनस इन्वेंट्री 40,000, प्रीपेड 10,000, एडवांस टैक्स 10,000, तो ये हो गया 1,00,000। और लिक्विडिटी रेशियो में करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी ये 1,00,000 का है। तो ये 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000, 1:1। सो गाइज, आर यू हैविंग फन? इट इज 1:1। अब बात कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आ गया है कि भैया एकदम अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नाउ यू हैव टू ब्रिंग इन योर बेस्ट रनर। ठीक है, तो एकदम एब्सोल्यूट, द वर्ड इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में एकदम, जो सिर्फ और सिर्फ एकदम नजदीकी मामला है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बस समझ लो कि ये नगद नारायण है या ये बात तो बराबर है। ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट सिचुएशन का बात करें, भैया अब हमको नहीं पता बैंक बंद है, ये बंद है, वो बंद है, नहीं पता, ये एकदम समझ लो भी तुरंत का तुरंत हम बैठे बैठे अभी का अभी जो काम कर सकते हैं, एकदम एब्सोल्यूट कैश मेरे पास, ये चलो बैंक में पैसे रखे हुए, मैं चलो अभी तुरंत निकाल के तुम्हें दे देता हूं, राइट। अब तुम समझ लो कि आपके घर पे कोई अचानक, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अचानक हॉस्पिटलाइजेशन है और डॉक्टर बोल रहा है भैया 25,00,000 रुपए चाहिए, तुरंत जमा करो। तो तुरंत 25,00,000 रुपए चाहिए, तो कुछ ऐसा चीज जो तुरंत डॉक्टर भी मान जाए, तो कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, द कैश रेशियो मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। दिस रेशियो कंसिडर्स ओनली द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी अवेलेबल विद द फर्म। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, जो तुरंत के तुरंत कैश है या तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, या कैश ही मानते हैं उसको, कैश ही मानते हैं, बराबर एक ही बात है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी को हम एब्सोल्यूट कैश क्यों मान रहे हैं? भैया डीमैट अकाउंट है आपके पास, आपका शेयर लिस्टेड है,
जो शेयर्स आपके पास है, जो सिक्योरिटीज आपके पास है, उसका प्राइस आपको दिख रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग हो रहा है। आपके पास समझ लो 5000 शेयर्स है, 5000 शेयर्स है आपके पास, और आज एक एक शेयर का कीमत 1000 रुपया है। ये आपको कैसे पता चलता? आप स्टॉक एक्सचेंज का उसमें आप देख रहे हो कि अगर अभी मैं बेचूंगा, अभी का अभी मेरे को इतना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद आप देख रहे हो अच्छा ये 1020 रुपया हो गया या ये 998 हो गया। तो ये हमेशा डे टू डे बेसिस पे बढ़ रहा है घट रहा है। आप भी लेके बैठे हो कि भैया आपको उम्मीद है कि ये 1100 हो जाएगा। आपने शेयर पे इन्वेस्ट किया है, आपने खरीदा था 900 रुपया में, आपको उम्मीद है कि ये 1100 हो जाएगा। तो ये एज गुड एज कैश है, क्योंकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, आज का दिन में ये भाव है 880 रुपया, खरीदा था 900 रुपया में, पर चलो जो भी भाव है, 880 भी भाव है, तो 880 इंटू 5000 करके आप बेचोगे, पैसा तुरंत हाथ में। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल का वर्ड का ही मीनिंग है जो सिक्योरिटी तुरंत मार्केट में जाके बेच सकते हो। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कैश का बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इधर का जो पोर्शन है ये वाला तो हमेशा वहीं का वहीं खड़ा है, सारा कहानी तो हमें इधर से देखना है, क्योंकि जो हमें देना है ये पूरा कैलकुलेशन ही हम कर रहे हैं कि क्या हमारी औकात है, कि जो हमें देना है क्या हमारी पोजिशन है कि हम टाइम पे दे पा रहे हैं, या कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी का नाम करण कर चेंज कर दिया है करंट इन्वेस्टमेंट, तो बात वही है। द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो ओनली टेस्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑब्लिक करंट इन्वेस्टमेंट्स, इट मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी विथ ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कि यार इतना पैसा है मेरे पास, कैश रखा हुआ है यार, जो देना तुरंत दे देंगे, मुंह पे मार देंगे पैसा, यार क्या टेंशन है। इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री याद करिए मोटे भाई साहब, इन्वेंट्री और थोड़े से मोटे डेटर्स याद करिए, डेटर्स भी स्लो हो जाते हैं कभी कभी। इन दोनों को तो यार मेरा दरकार ही नहीं, अपना तो जो चंदू है ना यार, अपना चंदू वही काफ़ी है, अपने पास लक्ष्मी माँ की कृपा है। इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर केप्ट आउट ऑफ द इक्वेशन बिकॉज बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट गारंटीड टू बी अवेलेबल फॉर डेट सर्विसिंग। ये लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, देखो, बोथ दीज अकाउंट्स आर नॉट गारंटीड to be available for debt, debt मतलब होता है कर्जा, debt, debt debt भी बोलते हैं, debt, debit, तो अंग्रेजी है भैया, deb जो है ये साइलेंट रहता है, तो आप प्रोनाउंस करेंगे debt, debt, not debt, debtors नहीं बोलते हम लोग, debtors बोलते हैं, debtors, भले वर्ड में आएगा BTORs, डेटर्स क्रेडिटर्स, नॉट डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। थोड़ा सा हमें मालूम था, हमने बता दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन हमेशा परफेक्ट रहेगा भैया, जितना आता है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। आइए इलस्ट्रेशन 3 का जमाना आ गया है। इलस्ट्रेशन 3 में बताया जा रहा कैश है 10 लाख रुपए, कैश इक्विवेलेंट है 2 लाख रुपए, अकाउंट्स पेबल 5 लाख रुपए। तो मैं एक तरफ दो तरफ टोटल कर रहा हूं, ठीक है, इधर मैं 10 लिख रहा हूं, इधर मैं 2 लिख रहा हूं, इधर मैं 5 लिख रहा हूं। अकाउंट्स रिसीवेबल है 20 लाख रुपए, करंट टैक्स पेबल है 1 लाख रुपए,
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म, अरे ये लॉन्ग टर्म लंबा, अपने तो छोटा बात कर रहे हैं। करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज का चर्चा हो रहा है, करंट। तो ये लॉन्ग टर्म जो आया है ये आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है, तो मैं इसे कहीं लिखूंगा ही नहीं। बट अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भैया कैश रेशियो निकालने के लिए, करंट रेशियो निकालने के लिए नहीं पूछ रहा, कैश रेशियो। तो कैश रेशियो में कैश 10 लाख आएगा, कैश इक्विवेलेंट 2 लाख आएगा, अकाउंट्स पेबल आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये रिसीवेबल भैया नहीं आएगा, ठीक है। करंट टैक्सेस पेबल, करंट टैक्सेस गवर्नमेंट को टैक्स देना है, करंट है नहीं, अरे देना होगा भैया, ये एकदम देना होगा, ये आएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये इधर आया 12, इधर आया 6। तो ये बात कर रहे हैं कैश रेशियो का, तो 12/6 2:1 बस यही है। कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केट सिक्योरिटीज बाय ओके। चलिए तो यहां तक हमने कर लिया है, आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा है। अब आइए बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब कहने को तो ये नेट, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये शब्द नेट आता है, नेट, इसका बहुत वैल्यू है। नेट मतलब होता है भैया जाल। तो आपके लिए एक जाल बिछाया गया है, आप इसमें फंसिएगा मत। नेट हमेशा होता है कि समझ लो किसी चीज को, जैसे अपने बोलते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो कोई दो वेरिएबल होता है और दो वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ जो निकलता है उसको हम कहते हैं नेट। रेशियोज में हमने शुरू में आपको बताया था कि रेशियो में दो वेरिएबल का गेम होता है, राइट। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल का जो बात हो रहा है, इसमें भी दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल है करंट एसेट, दूसरा वेरिएबल है करंट लायबिलिटी। और क्योंकि नेट का बात हो रहा है, नेट जाल, तो कुछ माइनस होगा, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वर्किंग कैपिटल रेशियो जो मिलता है हमें, ये आप समझ गए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या निकलता है, इसको हम यूज करते हैं। आइए अभी तुरंत दिखाते हैं कैसे यूज में आता है ये। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल इज मोर अ मेजर ऑफ कैश फ्लो देन रेशियो। क्या बात है, अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग यही बात तो कर रहे थे दोस्त, समझिएगा बात को। अभी तक का हमारा चर्चा का एक ही तो विषय था कि अगर मुझे लायबिलिटी मतलब देनदारी देने का फ्लो 50 लाख हो और लेने का फ्लो एसेट्स करंट एसेट्स, लेने का जो इनफ्लो है लायबिलिटीज आउटफ्लो दिस इज इनफ्लो, ये लेने का जो फ्लो है ये 70 लाख हो, देने का फ्लो 50 लाख हो। अभी तक तो यही चर्चा किए हैं अलग अलग रेशियो पे, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक या एब्सोल्यूट कैश रेशियो, इस सारे में चर्चा क्या था कि भैया आएगा आने का फ्लो 70 है और जाने का फ्लो 50 है। करंट एसेट में हमने 70 बताया, फिर बोला नहीं यार ये मोटा है, ये इन्वेंट्री है, ये डेटर्स है, इसका फ्लो थोड़ा सा कम हो गया है,
तो अल्टीमेटली बात तो फ्लो का ही कर रहे थे ना, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। तो ये कुल मिला के जब हम दोनों का फ्लो को प्लस माइनस करके या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो उसी को कहा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल दोस्त कुछ भी नहीं है, करंट एसेट का फ्लो माइनस करंट लायबिलिटी का फ्लो। तो एक तरह से अपने को पता चल जाता है कि हमारा सिचुएशन क्या है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। द रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, भैया ये समझ लो। CA माइनस CL, एसेट ज्यादा हो मिलने पास, अपने पास जो आ रहा है वो ज्यादा हो और जो जाना है वो कम होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? इट इज कैलकुलेटेड एज शोन बिलो। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है ये अल्टीमेटली सबसे। अब जैसे रटना नहीं है, हमने आपको पहले ही बताया था। अब ये सी ए माइनस सी एल तो हम समझ चुके हैं। अब यार हर रेशियो या हर एक सिचुएशन, ये सी ए है और ये सी एल है, ये कोई ना कोई तो इसको स्टडी कर रहा है। अब इसको वर्किंग कैपिटल स्टडी कौन कर रहा है ये समझना जरूरी है पहले। अगर आप ये समझ जाओगे कि ये वर्किंग कैपिटल स्टडी करने वाला प्राणी एक बैंक है, बैंक को आप जाके बोल रहे हो कि बैंक बैंक मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए यार, एक मार्केट में ना एक अच्छा ऑर्डर आया है यार, प्लीज पैसे दे दो, तो बैंक आपका स्टडी कर रहा है, तो बैंक आपका करंट एसेट भी देख रहा है, बैंक आपका करंट लायबिलिटी भी देख रहा है, और बैंक इसी बैंक से, समझ लीजिए आपने SBI के पास गया, SBI से आपने शॉर्ट टर्म कुछ पहले का बोरोइंग ले रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो SBI क्या कर रहा है कि ठीक है ये पैसे तो मैंने ही दे रखे थे इसको, तो मैं अपना ही पैसा को करंट लायबिलिटी में जोड़ूंगा तो शायद सही नहीं रहेगा, तो मेरे पैसे को हटा के मैं देखता हूं कि इसका पोजीशन, जो मदद मैंने किया था, मैंने चलो मैं अपना पैसा को एक बार हटा देता हूं, वो तो चलो आ ही जाएगा, भरोसा है मुझे, तो मैं देखता हूं कि शॉर्ट टर्म जो मेरे से पैसा ले रखा है उसको हटा के इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो ये कैलकुलेशन जब बैंक करता है तो बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो बैंक ने खुद ही दे रखा है ये अज्यूम करिए, तो बैंक उसको हटा देता है। तो दोस्त इसी में आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो जनरली बैंक देख रहा है कि इसको, और वर्किंग कैपिटल लोन होता है, वर्किंग कैपिटल लोन कि बैंक बैंक मुझे एक अच्छा ऑर्डर मिला है, प्लीज थोड़ा सा पैसा दो ना यार, एक बार दो ना 20 लाख रुपया दो ना। तो नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग। ये बैंक हमने तुमसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया यार, मेरा औकात देख ले भाई, मेरा औकात को चेक कर लो, तो मेरा औकात पोजीशन मेरा अच्छा है, करंट एसेट्स मेरे पास अच्छे हैं, बस मेरा डेटर जो है ना भैया थोड़ा स्लो है, पैसे मेरे को डेटर से ही मिल जाएंगे भाई, वो डेटर नहीं दे रहा है तभी तो तेरे पास आया हूं, अगर वो डेटर मेरे को पैसे दे देना आज के आज बैंक, तो तेरे पास क्यों आऊंगा मैं। अच्छा बैंक भी तो बैठा हुआ देने के लिए, बात समझिए, बैंक भी तो चाहता है। अच्छा बैंक क्या करता है, बात को समझिए, बैंक ने आपका एसेट्स करंट एसेट्स देख लिया, उसमें उसने डेटर्स देख लिया, उसने देख रखा है कि डेटर उसके पास है 70 लाख का, ये 70 लाख तो आना ही है, बस थोड़ा सा लेट आना है, और ये बैंक से हमसे मांग रहा है कितना, ये 50 लाख तो मांग रहा है,
या 40 लाख मांग रहा है या 25 लाख मांग रहा है, तो बैंक अपना सारा कैलकुलेशन करके, बैंक को क्या फायदा है भैया, बैंक पैसा देगा तो बैंक का कमाई तो इंटरेस्ट है ना, बैंक को इंटरेस्ट का कमाई है। हम फंस चुके हैं, मेरे पास डेटर्स है, मैंने माल बेच दिया है, बट डेटर को अगर अभी मैं बोलूंगा भैया मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे अभी के अभी चाहिए, तो बोलेगा यार तेरे से काम ही नहीं करना मेरे को, जा इतना क्या पैसा पैसा कर रहा है, दो महीना बाद तो अपने तो पेमेंट टर्म्स है, तू नहीं देगा तो भाई कोई और देगा। बिजनेस को समझिए, अगर मैं अपने डेटर को नाराज कर दूं तो डेटर बोलेगा भैया नेक्स्ट ऑर्डर मैं तेरे को नहीं देता, मैं वर्मा जी आपसे ऑर्डर नहीं देना मेरे को, आपको मैं शर्मा जी को ऑर्डर दूंगा, क्योंकि शर्मा जी यार हाई पैसा करके डिस्टर्ब नहीं करते, मैं क्या कहीं भागे जा रहा हूँ। डेटर्स को समझिए, डेटर आपको ऑर्डर दे रहा है, आप उससे बिजनेस कर रहे हो, तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका होगा क्या बुरा से बुरा डेटर में, जो देखो जब भी बिजनेस को समझो, बिजनेस को समझो, मैं आपको एक बिजनेस का पॉइंट समझा रहा हूं। ये डेटर है 70 लाख रुपया, हमारा कॉस्ट था समझ लो 50 लाख रुपया, तो इस डेटर से मैं 20 लाख रुपया कमाने वाला हूं क्या? नहीं, मैंने 50 लाख का कॉस्ट था मेरा, 70 लाख में मैंने बेच दिया, डेटर बन गया, 20 लाख मेरा कमाई आने वाला। अब जो आदमी दूध देने वाली गाय है मेरे लिए, मैं उसको नाराज नहीं कर सकता, तो 20 लाख का कमाई है, मैं इस डेटर को परेशान नहीं करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक बैंक प्लीज मेरे को पैसे दो। क्यों? क्योंकि मेरे को अगेन ऑर्डर मिला इसी डेटर से, सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट करना है भाई, वापस 50 लाख रुपए चाहिए, डेटर नहीं दे रहा है मेरे को पैसे, मैं बैंक के पास गया, बैंक से 50 लाख रुपया लिया, बैंक मेरे को 3 महीने में समझ लो बैंक मेरे से 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, मैं वापस से इसी डेटर को 50 लाख का कॉस्टिंग में मैं 70 लाख रुपए में मैं बेचूंगा। बुरा से बुरा क्या होगा यार, मेरा 0.1.5 जो बैंक को दिया वही तो नुकसान होगा, फिर भी 18.5 लाख रुपए का तो मेरा फायदा हुआ। तो डेटर को कभी हम परेशान नहीं कर सकते, डेटर को बोले हाँ ठीक है सर थोड़ा देख लीजिए ना सर, थोड़ा सा तकलीफ में सर, आराम से दीजिएगा बट दे दीजिएगा सर, तो इसीलिए हमें बैंक के पास जाना पड़ता है, और बैंक को भी मालूम है कि इसके पास डेटर है, पैसे तो इसको मिल ही जाएंगे, तो बैंक को भी श्योरिटी है, तो एक तरह से बैंक आपका पार्टनर बन रहा है, बैंक इज फंडिंग यू, बैंक इज फाइनेंसिंग यू कि भाई अच्छा है काम करते जा, तू काम कर भाई, तू कमा, तू कमाएगा तो मैं भी तेरे साथ कमाऊंगा, तो ये फंडा को समझिएगा दोस्त। बैंकर्स लुक एट द नेटवर्किंग कैपिटल ओवर टाइम टू डिटरमाइन कंपनीज एबिलिटी टू वेदर फाइनेंशियल क्राइसिस, कि भैया कंपनी का कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में इसका क्या सिचुएशन है, ये निकल जाएगा, उभर जाएगा, हाँ उभर जाएगा, ये इसका शॉर्ट टर्म क्राइसिस है, पैसे हैं इसके पास, डेटर है, पैसे मिल जाएंगे। लोन्स आर ऑफन टाइड टू मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो लोन वोन भी जो देते हैं लोग देख लेते हैं कि चलो मिनिमम वर्किंग कैपिटल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब देख देख के सब पूरा समझ के देते हैं। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज किया जा रहा है, आज का ये लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, हमने फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस को स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और स्पीड को बरकरार रखेंगे। करंट रेशियो जो है 3:1 है, करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब आपको पता है, करंट रेशियो का क्या मतलब होता है, करंट रेशियो 3:1, चलिए आप बताइए, करंट रेशियो 3:1 है इसका मतलब कंपनी का पोजीशन अच्छा है या खराब है। करंट रेशियो, अच्छा करंट रेशियो किसे माना जाता है, अच्छा करंट रेशियो माना जाता है अगर 2:1 है तो अच्छा माना जाता है, इसके पास तो भैया 3:1 है, इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट अगर 3 लाख का है तो करंट लाइबिलिटी 1 लाख का है, 3:1, क्या आप ये बात समझ चुके हो अभी तक, इसका मतलब 3 जो है ये करंट एसेट है, 1 जो है करंट लायबिलिटी है, ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया। करंट एसेट्स बता रहे हैं 2,10,000, अच्छा 3 लाख नहीं है ये 2,10,000 है, तो अगर ये 3 हिस्सा 2,10,000 है तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से भी ये हम कर सकते हैं, 2,10,000 अगर है ये तो ये 70,000 होगा, एक मिनट रुकिएगा, अगर 3:1 का रेशियो है दोस्तों, अगर ये 2,10,000 है
तो ये 70,000 होगा। 71 70 73 210,000, तो आ गया 3:1। तो करंट एसेट अगर आपको दिया हुआ है 210,000, तो इस फॉर्मूला से आप आराम से करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। तो करंट लायबिलिटी आपने निकाल लिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो हमने बताया था कि नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट आपको दे रखा है, करंट लायबिलिटी आपने निकाल लिया, तो ये माइनस करने से आया 140,000। ये कैलकुलेशन देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। ये सब बचपना वाला सम्स है, कोई टेंशन नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझाना। मेरा मेन उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे आपके साथ, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लेवरेज रेशियोज, इस पे भी काफ़ी चर्चा करेंगे, मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट अंदर की बातें को समझना है। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चैप्टर अभी तक जो हमने किया है, स्लो किया है, स्टडी किया है, बट काफ़ी आपको डिटेल्ड में हमने कोशिश किया है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे कुछ भी आपको अपना मन का बात अगर शेयर करना तो ज़रूर करिए। व्हाट्सएप नंबर है आपका जो हम तक पहुंच सकते हैं, आप इस नंबर पे बिना कोई संकोच के आप पहुँचिए। ठीक है, एंड यस, बहुत जल्द हम आपके शहर, गांव, टाउन, सब जगह हम पहुंचेंगे। वी आर इन टॉक्स विद लॉट ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, बट वी हैव आवर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का वेलफेयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो तब तक हम आपको 31 मार्च 2018, वी आर प्रोवाइडिंग यू दीज क्लासेस फ्री ऑन YouTube। अब हमसे संपर्क बना के रखिए, लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ओपिनियन हमसे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे संपर्क बनाइए और हमसे संपर्क बनाते रहिए, जिससे हमें भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच।